सीधे आपको ले चलेंगे जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूल भवन का उद्घाटन किया। उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और इतने जोश और जुनून के साथ लोग आज यहां पे शिरकत कर रहे हैं। जैसा भी आतिशी जी ने बताया, हमारी सरकार बनने के पहले 2014 तक सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल होता था, बच्चे जाते थे घंटा दो घंटा स्कूल में उछल कूद करके घर वापस आ जाते थे। स्कूल में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता था, दीवारें टूटी थी, छत टूटी होती थी, पंखे मुड़े हुए होते थे, कोई पढ़ाई नहीं थी। साल दो साल के बाद माँ बाप सोचते थे टाइम खराब कर रहा है, उसका नाम कटा देते थे, कहते थे तू भी काम पे लग, दो पैसे तो कमा के लाएगा शाम को। होता था कि नहीं होता था? मैं तो राजनीति में आने के पहले मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था, एक एनजीओ में परिवर्तन, नंदनगरी की झुग्गियों में काम किया करता था। मैं तो देखता था रोज किस तरह से बच्चों का बुरा हाल हो रहा है, गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। कोई गरीब आदमी ये नहीं सोच सकता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर इन सरकारी स्कूल से निकल के डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, एक के बाद इतने स्कूल, इतने शानदार स्कूल बनते जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने इतने स्कूलों का उद्घाटन कर लिया। अभी थोड़े दिन पहले बुराड़ी में 4 स्कूलों का शिलान्यास करके आया हूं, 10,000 बच्चे पढ़ेंगे वहां पे, 4 नए स्कूल। कल हम लोग पालम गए थे, पालम में एक नए स्कूल का शिलान्यास करके आए हैं, 2,500 बच्चे पढ़ेंगे वहां पे। उसके पहले थोड़े दिन पहले रोहिणी गए थे, रोहिणी में हम लोग एक नए स्कूल का उद्घाटन करके आए, स्कूल बन गया, वहां पे भी 2,500 बच्चे पढ़ेंगे। पिछले कुछ महीनों के अंदर ही मैंने इतने स्कूलों का उद्घाटन कर दिया, 1,50,000 गरीबों के बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर दिया पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब आपका भी यहां पे शानदार स्कूल बनेगा। पहले जो टाट पट्टी टिन वाला स्कूल था, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी? घर जाते थे, पड़ोस में मान लो एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था उसको लगता था यार मेरे में कुछ कमी है, मेरे माँ बाप में कुछ कमी है जो मैं इतने गंदे स्कूल में पढ़ रहा हूं। बच्चों के मन में हीन भावना होती थी, माँ बाप के मन में हीन भावना होती थी। और एक ही घर में एक लड़का और एक लड़की, लड़के को तो माँ बाप प्राइवेट स्कूल में भेज देते थे, लड़की को सरकारी स्कूल में भेजते थे, पढ़ेगी पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी तो ब्याह देंगे उसके बाद। होता था कि नहीं होता था? अब ये बदल गया, अब सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, पैसे भी नहीं देने, सबको मुफ्त शिक्षा मिलेगी। सारी दिल्ली के अंदर इतने शानदार जितने पुराने स्कूल थे सबको तोड़ तोड़ के नया बना रहे हैं। और भाई साहब मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं करता हूं, मेरे को पता है इस इलाके के अंदर बहुत प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बड़े, जिस दिन ये स्कूल बन जाए एक चक्कर इस स्कूल का लगा लेना और एक चक्कर उन प्राइवेट वालों का लगा लेना, प्राइवेट से ज्यादा शानदार नहीं हो, राजनीति छोड़ दूंगा। जितना शानदार ये स्कूल बन रहा है, इसमें इतनी सारी लेबोरेटरी लैब बनेंगी, इन प्राइवेट स्कूलों में कुछ नहीं है, पैसे बहुत हैं, दिखावा ज्यादा है, पर इतनी शानदार लेबोरेटरी बनेंगी, लाइब्रेरी बनेंगी, एक्टिविटी रूम बनेंगे बहुत ही शानदार, और लिफ्ट लगेगी, किसी प्राइवेट स्कूल में लिफ्ट नहीं है आपके चारों तरफ जाके, आपके बच्चे तीसरी मंजिल पे जो बच्चे की क्लास होगी वो लिफ्ट में चढ़ के जाया करेगा, सीढ़ियों से चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है उसको।